हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने इसके पहले भाग में स्टूडेंट्स कॉमन मेथड के बारे में चर्चा करने वाले थे हम, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड है फूड प्रिजर्व करने की, तो केमिकल मेथड में हम कैसे उसको प्रिजर्व कर पाएंगे हमारे कुक फूड को हमारे घर पे। तो स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को अटकाने के लिए, उसकी ग्रोथ को हम कम करने के लिए, ग्रोथ को मिटाने के लिए हम उसको कॉमनली तो सॉल्ट का यूज करते हैं और एक एडिबल ऑयल का हम यूज करते हैं, जो खाने का तेल है हम उसका यूज करते हैं। Therefore, they call preservatives, की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, हमारे खाने को अच्छा रखते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम हमारे पिकल्स को, यानी कि अचार को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर या तो फिर नमक डालते हैं या तो फिर कोई एसिड प्रिजर्वेटिव उसके अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उस पर अटैक होता है उसे हम उसे बचा सकते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। कॉमन प्रिजर्वेटिव केमिकल का नाम क्या है स्टूडेंट, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। दीज आर ऑल्सो यूज इन जेम्स एंड जाम्स एंड स्क्वाशिस टू चेक देयर स्पॉइलेज। यानी कि उसको बचाने के लिए जाम को और जो हमारे फ्रूट जूस है उसको स्टूडेंट्स स्पॉइल होने से बचा सकते हैं उसके अंदर हम ऐड करने के बाद, किसको, ये जो प्रिजर्वेटिव है उससे। यानी कि केमिकल मेथड में हम कौन से केमिकल डाल के हमारे खाने को, हम हमारे फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं उससे हम बोलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स एंड सोडियम बेंजोएट। सोडियम मेटाबाइसल्फाइट इज अ कॉमन प्रिजर्वेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे प्रिजर्वेटिव बाय द कॉमन सॉल्ट, यानी कि कॉमन सॉल्ट से हम हमारे फूड को कैसे बचा सकते हैं। यानी कि कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। यानी जो हम ये जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उसकी वजह से हम लंबे समय तक मीट और फिश को क्या कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फिश और मीट को सॉल्ट से कवर किया जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया का उस पर क्या हो जाएगा, अटैक होना बंद हो जाएगा। देन सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रोमेंगोज एंड टेमरिन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उससे हम मैंगो, यानी कि जो कच्ची केरी होती है वो, आमला एंड जो आंबली होती है जैसे कि टेमरिन जो होती है उसको हम बचाने के लिए अच्छा रख सकते हैं। उससे वो क्या होती है, लंबे समय तक अच्छी रहती है और प्रिजर्व रहती है। देन प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर की हेल्प से हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जाम, जेलीज एंड स्क्वाशिस आर प्रिजर्व बाय शुगर। ये जो सारी चीजें है वो किससे प्रिजर्व होगी, शुगर से। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। ये जो शुगर है वो हमारे आसपास से जो मॉइस्चर है उसको क्या कर लेगा, कम कर देगा, मॉइस्चर को कम कर देगा, इसलिए हमारे जो फूड को जो खराब करते हैं वो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ग्रोथ को क्या करते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल से और विनेगर से हम कैसे प्रिजर्वेशन करेंगे, द यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया। ये जो तेल और जो विनेगर है उससे हमारे जो पिकल्स है उसको बिगड़ने से हम अटका सकते हैं, बिकॉज वहां पे कोई बैक्टीरिया होता नहीं है। कहाँ पे, जहां हम तेल और विनेगर डालते हैं उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया अंदर जा नहीं सकता है। देन वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय द मेथड। यानी कि जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मीट है,
ये सारी चीजें भी हम ऐसे विनेगर से और जो ऑयल से हम इसको अच्छा रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। आप देखेंगे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से सारे ही स्टूडेंट्स परिचित होंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइल बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर और यूज। हमारे घर पे हम ये दूध का जो मिल्क आता है उसको यूज करने से पहले हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बॉइल करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइल करने से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम खाने को बचाने के लिए हम खाने को किस में रखते हैं, फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इसलिए रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, बिकॉज लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको भी लो टेम्परेचर में अटका सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम कोल्ड और गर्मी से और ठंडी से हमारे खाने को भी बचा सकते हैं। वैसे भी फ्रिज में रखने से भी बचा सकते हैं और गर्म करने से भी हमारे खाने को हम क्या थोड़े लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज अ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ये जो पेस्चराइजेशन है वो उसको वो क्या है कि हमारे जो मिल्क है उसको बॉइल किए बिना ही अच्छा रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बिकॉज दे आर फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिकॉज वो क्या हो जाता है, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा, पेस्चराइज्ड मिल्क। तो व्हाट इज पेस्चराइज्ड, तो हम देखेंगे पेस्चराइजेशन का मतलब है द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। हमें मिल्क को कितना हीट करना है, 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। कितना समय तक, 15 to 30 seconds ओनली। 15 to 30 seconds जब हम इसको हमारे मिल्क को 70 डिग्री पे हम हीट करेंगे एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, उसको तुरंत ही ठंडा कर देंगे और उसको स्टोर कर देंगे। बाय डूइंग सो इट्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पेस्चर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पेस्चराइजेशन। यानी कि वॉट इज पेस्चराइजेशन, द मिल्क हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 13 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। ये हो गई हमारी पेस्चराइजेशन प्रोसेस। बाई डूइंग सो इट्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट कर देती है, उसको अटका देती है। इसकी वजह से हमारा जो पेस्चराइज मिल्क है वो एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा रहता है, थोड़े दिन टिका रहता है, एक दो दिन। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई, ये प्रोसेस किसने डिस्कवर की थी, लुईस पेस्चर ने ये प्रोसेस क्रिएट की थी, सर्च की थी, डिस्कवर की थी। इस वजह से इसको हम बोलते हैं पेस्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग। अब देखेंगे स्टोरेज करेंगे और पैकेजिंग करेंगे। स्टोर करके भी हमारे खाने को हम अच्छा कर सकते हैं और पैकेजिंग करके भी हम फूड को थोड़ा अच्छा रख सकते हैं। दिस डे ड्राई फूड एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन द सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। जैसे आजकल के जो दिनों में है, जो ड्राई फूड है एंड जो वेजिटेबल्स है उसको एयर टाइट यानी कि उसके अंदर हवा नहीं जा सकती है, वैसे एयर टाइट पैकेट से पैक करने के बाद उसको बेचा जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर पाता नहीं, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। ऐसे हम हमारे फूड को, कुक फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसी ये सारी ट्रिक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ के आए हो इन क्लास 6 एंड 7 में। आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के आए हो। इट इज द इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि पल्सिस जो होते हैं, पल्सिस के अंदर नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ अ पल्सिस। फिगर 2.9 हमें दिया हुआ है, उसमें देखना है। सच एज बीन्स एंड पीस विथ विच हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको पढ़ के आए हो उसके बारे में, यानी कि सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसके रूट पे रहता है। कहाँ पे रहता है, रूट पे।
रूट पे रहता है, यानी कि जो ये जिसके भी रूट पे रहता है, पल्सिस के रूट पे रहता है, यानी कि पल्सिस का रूट, यानी कि पल्सिस ने राइजोबियम ये बैक्टीरिया है उसको क्या दिया, उसने शेल्टर दिया, क्या दिया, शेल्टर दिया, शेल्टर दिया, और उसी में से वो अपना फूड भी लेता है। लेकिन उसके मुकाबले वो उसको क्या देता है, वो नाइट्रोजन देता है, क्या देता है, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही जरूरी होता है प्लांट्स के लिए, उसमें से नाइट्रोजन की वजह से उसमें प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने के बाद उसमें ग्रोथ होती है। मतलब ये क्या हो गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। उसको एक को चाहिए शेल्टर और एक को चाहिए नाइट्रोजन, यानी कि एक को फूड चाहिए और एक को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, आपको पता है कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन कॉन्स्टेंट, लेकिन जो एटमोस्फियर में जो हमारे नाइट्रोजन है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ना ही कम होता है ना ही ज्यादा होता है। इतना यूजफुल होने के बाद भी वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो यू मे वंडर हाउ, तो आप पता लगा सकते हो ये कैसे, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसके बारे में हम देखेंगे, अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि नाइट्रोजन कैसे यूज होता है और हमारे एटमोस्फेयर में वापस कैसे जाता है। नाइट्रोजन साइकिल, अवर एटमोस्फेयर है 78% नाइट्रोजन, हमारे एटमोस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। ये सारी चीजों के बनाने के लिए इसको चाहिए, क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, चाहिए और चाहिए ही। सो द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन इतनी मात्रा में होने के बाद भी हम उसको डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर नहीं ले सकते, उसकी वजह से सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इन टू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ये जो बैक्टीरिया है और थोड़े से बहुत से प्लांट्स है वो क्या करते हैं कि एटमोस्फेयर में से नाइट्रोजन उसके अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, उसमें से वो सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में वहां पे फिक्स कर दे, यानी कि सॉइल में क्या आ गया, नाइट्रोजन कंपाउंड आ गया नाइट्रोजन के साथ, इसलिए सॉइल में अब नाइट्रोजन फिक्स हो गया। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, यानी कि जो जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन आ गया, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन आ गया, वो रूट्स की हेल्प से वो जो प्लांट्स के अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, प्लांट्स के अंदर जाएगा, यानी कि वो नाइट्रोजन सारा किसने ले लिया, प्लांट्स ने ले लिया, लेकिन प्लांट्स के अंदर अब क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, यानी कि नाइट्रोजन जो है उसके बॉडी के अंदर आने के बाद, प्लांट के अंदर आने के बाद प्रोटीन बनाता है और अदर कंपाउंड्स भी बनाने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। अब प्लांट्स पे डिपेंडेंट जो भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट जो भी एनिमल होते हैं, वो एनिमल्स वो प्लांट्स के अंदर से प्रोटीन के थ्रू एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स के थ्रू वो क्या करता है, वो उसकी बॉडी के अंदर वो नाइट्रोजन ले लेता है। पहले क्या किया, नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन फिक्सर यानी कि जो बैक्टीरिया है और जो अल्गी है वो एटमोस्फेयर में से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जमीन के अंदर फिक्स करते हैं, सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं, उसके बाद वो जो प्लांट्स है वो प्लांट्स रूट के थ्रू उसके अंदर से वो बॉडी उसकी बॉडी में नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन बनने के बाद उसके अंदर क्या बन जाता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के अंदर भी नाइट्रोजन आ गया। अब वो प्रोटीन जो एनिमल ओनली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है वो उसको खाएंगे, उसको खाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन आ जाएगा। देन व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, अब जब वो प्लांट्स और एनिमल डाई होते हैं, यानी कि प्लांट्स कट के गिर जाते हैं, डाई हो जाते हैं और एनिमल भी डाई हो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इन टू द नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन, यानी कि उसी को वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को उसी में ही कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और वही नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स उसको खा के या फिर उसके अंदर से क्या लेंगे, वो प्लांट्स में से प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मैन्योर बना देता है, उसमें से ही वो क्या करते हैं फिर से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, यानी कि नाइट्रोजन अपने बॉडी के अंदर फिर से ले लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट
और दूसरी तरफ बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कन्वर्ट द सम पार्ट ऑफ देम नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन वही सॉइल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड में से नाइट्रोजन को अलग करते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में फिर से रिमूव करते हैं। एज रिजल्ट इसकी वजह से द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। यानी इसी वजह से ना ही एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है और ना ही कम होती है, ऐसे यूज होके फिर से वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ही जाता है। फिर से हम एक बार फिगर देख लेते हैं कि जो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ये रहा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। तो पहले होगा लाइटनिंग, ये जब बिजली होती है बिजली की वजह से सीधा ही नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन सीधा ही नाइट्रोजनियस कंपाउंड में बन के सीधा ही सॉइल में फिक्स हो जाता है। लाइटनिंग की वजह से सीधा ही कहां कंपाउंड में ये जो नाइट्रोजन है उसके अंदर क्या जाता है, कहां चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के थ्रू। एंड सेकंड थिंग है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि जो नाइट्रोजन में बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया और जो अल्गी है वो एटमॉस्फेयर में से उसके अंदर वो बैक्टीरिया के अंदर क्या कर लेते हैं, उसको नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। देन बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। वो जो बैक्टीरिया के वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में टर्न करके वो कहां पे डाल देते हैं, उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सॉइल में नाइट्रोजन कहां से आया, एक तो लाइटनिंग के थ्रू और एक बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन अंदर लेंगे फिर उसके अंदर से कंपाउंड में फेरे घुमा देंगे, कंपाउंड बना देंगे। वो कंपाउंड फिर सीधा कहां से फिक्स होगा, कंपाउंड जाके सॉइल में फिक्स हो जाएगा। यानी कि यहां पे अब नाइट्रोजन फिक्स हो गया एटमॉस्फेयर में से। अब ये जो नाइट्रोजन है सॉइल में, वो सॉइल में से कौन लेगा, प्लांट लेंगे। प्लांट नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेंगे एंड देन ये प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल खाएंगे। और एनिमल ईटिंग प्लांट्स, जो एनिमल प्लांट्स को खाते हैं वो प्लांट्स को, ये प्लांट्स को वो एनिमल खाएंगे। यानी कि नाइट्रोजन पहले यहां पे था, फिर यहां पे आया, फिर यहां से यहां गया, यहां से फिर प्लांट्स में गया और प्लांट्स को कौन खाएगा, प्लांट्स को खाएगा यानी कि एनिमल में आया। और ये एनिमल होते हैं जो नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सेशन एंड डेथ, ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको और एक्सेशन होता है वो फिर से कहां जाता है, सॉइल के अंदर जाता है। ठीक है, यहां पे आया, प्लांट्स में गया, प्लांट्स में से एनिमल में खाया, एनिमल और जो प्लांट जब डेथ हो जाते हैं, जो वेस्ट होता है वो वेस्ट फिर से जमीन में फिक्स होता है क्योंकि उसके अंदर फिर भी क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। वही नाइट्रोजन वाला कंपाउंड फिर से कहां जाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। अब यहां से स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन फिक्सर है, ये नाइट्रोजन सॉइल के अंदर है, ये सॉइल के अंदर से जो बैक्टीरिया होता है, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंपाउंड है वो कंपाउंड को नाइट्रोजनियस गैसियस में कन्वर्ट कर देता है, वो नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ऐसे पूरा सर्कल चलता रहता है, यानी कि जो बोलते हैं इसे हम नाइट्रोजन साइकिल। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे लर्न कर लेना है और समझ लेना है। हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है।